आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एक सरल प्रयोग के द्वारा बताइए कि द्रव जो है वो बर्तन की दीवार पर दाब डालती है तथा दाब जो है वो द्रव की गहराई पर निर्भर करता है और खास गहराई पर दाब हर दिशा में समान होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसका उत्तर सबसे पहला वाला है ना, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है, द्रव की दीवारों पर जो है वो दाब डालती है। जैसे कि हमने क्या कर दिया बेटा, ये एक परख नली ली है ना, ये एक परख नली हमने कुछ इस तरीके से, बोतल वगैरह जो भी है आप ले लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटा सा मैंने हिस्सा छोड़ दिया है ना, और ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में ये कुछ एक क्या हो गई है, ये एक परख नली है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे करके आकृति को ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया और यहाँ पर मैंने जो है एक गुब्बारा लटका दिया, ठीक है। अब वो गुब्बारा जैसे ये यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है, गुब्बारा। अब हमने क्या कर दिया बेटा, इसके अंदर जो है पूरे में ऐसे करके ये कुछ भी द्रव भर दिया है ना। तो द्रव भरते ही ये वाला गुब्बारा कैसा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके अंदर ये द्रव भर दिया हमने, है ना, ये द्रव, ठीक है। तो द्रव भरते ही ये वाला गुब्बारा कैसे हो जाएगा, ये वाला गुब्बारा एकदम से ऐसे फूल करके ऐसे करके हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, है ना, इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ से कोई ना कोई दाब पड़ा होगा जिसके कारण इस पर बल लगा और ये ऐसे करके क्या हो गया बेटा, फूल गया, हल्का सा फूल गया। इससे हमें पता चला है कि जो बर्तन पर जो ये द्रव है ये क्या करता है बेटा, इस तरीके से दाब लगाता है, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। अब चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर बोला गया है कि दाब जो है वो द्रव की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे कि हमारे पास में ये हो गया एक पात्र, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पात्र, ठीक है, ये इस तरीके से ये हो गया पात्र, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या भर दिया बेटा, इसके अंदर हमने भर दिया ये कुछ भी द्रव, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस पर कितनी ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है, वो ऊंचाई तक भरा हुआ है ये कुछ ना कुछ कैपिटल एच ऊंचाई तक भरा हुआ है। अब हमने इसकी जो ऊपरी सतह पर है ना, अगर मैं यहां पर दाब बताऊं तो यहां पर दाब क्या हो जाएगा, है ना, केवल और केवल द्रव के कारण। अगर इस द्रव का घनत्व कितना है, द्रव का घनत्व है हमारे पास में कितना, रो, ठीक है। तो यहां पर तले पर इस P बिंदु पर जो दाब हो जाएगा, या फिर मैं बोलूं A बिंदु पर दाब, तो A पर जो दाब होता है वो बराबर होता है बेटा हमारे पास में P बराबर रो इंटू जी इंटू एच के बराबर। एच मतलब इसकी हाइट, यानी कि इसकी ऊपरी सतह से इसकी गहराई कितनी है ये यहां पर, तो ये इतना हो जाएगा A पर दाब, ठीक है, जो कि हमारे किस पर, गहराई पर निर्भर करता है। अब ध्यान से देखिए बेटा, जैसे कि हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया ये B, जिसकी ऊंचाई, जिसकी जो गहराई है वो केवल स्मॉल एच है, तो B पर जो दाब आ जाएगा, B पर दाब है ना, वो कितना आ जाएगा, P B पर, ये P A पर, ये बराबर कितना हो जाएगा, रो गुणा जी गुणा और केवल स्मॉल एच जो है, ये है बेटा, ये स्मॉल एच जो है वो इस पर निर्भर कर रहा है। यानी कि एच जितनी ज्यादा ये गहराई में चलता चला जाएगा, द्रव का दाब जो है उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये केवल मैं द्रव दाब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुल दाब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ओके। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है, यानी कि ये गहराई पर निर्भर करता है और खास गहराई पर दाब हर दिशा में समान होता है। मतलब कि ध्यान से देखिए बेटा, खास गहराई पर अगर मैं इसी बिंदु, इसी वाली लाइन पर है ना, इसी वाली लाइन पर मैं अगर यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु ले लिया, मैंने ये सी या फिर ये मैंने ले लिया डी है ना, तो जो इन पर दाब होगा पी किस पर, बी पर, पी सी पर, पी डी पर, ये सबके सब कैसे होंगे, समान होंगे बच्चों, क्योंकि क्षैतिज तल पे जो है बेटा ये क्या होते हैं, एक खास गहराई यानी कि समान क्षैतिज तल पर जो है ये दाब समान होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सबके लिए सूत्र तो यही आएगा, जहाँ पर जी क्या है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, यही इसका उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।